पुणे में आयोजित 50वें राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी के प्रबंधन हेतु रविनगर के जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्था में समीक्षा सभा का आयोजन शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर की अध्यक्षता में किया गया, जहां मंत्री दीपक केसरकर ने प्रतिपादन किया कि छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने में भारतीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी की भूमिका महत्वपूर्ण है। शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने आज यह निर्देश दिया कि इस प्रदर्शनी में छात्रों द्वारा तैयार की गई शोध का उपयोग व्यावसायिक स्तर पर किया जाना चाहिए और अनुसंधान के क्षेत्र में छात्रों की अवधारणाओं को एक मंच दिलाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इस कार्यक्रम में शालेय शिक्षण व क्रीड़ा विभाग प्रधान सचिव रंजीत सिंह देओल, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक व प्रशिक्षण परिषद के संचालक अमोल येडगे, सह सचिव इम्तियाज काजी, उप सचिव समीर सावंत, राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद के संचालक दिनेश प्रसाद सकलानी, सुनीता फरकिया, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय संचालक संपत सूर्यवंशी, महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक निर्मित व अभ्यासक्रम संशोधन मंडल बाल भारती संचालक कृष्ण कुमार पाटिल, उप संचालक डॉक्टर कमला देवी आउटी, प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण उप संचालक डॉक्टर राधा अधकरी, तेजस्विनी आर्वेकर और विज्ञान विभाग प्रमुख राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद के सदस्य इस समय मौजूद थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मनीष डिमरी की रिपोर्ट।